ब्लिस ओएस कस्टम रोम ऑन MI A3। तो आपने इस रोम के बारे में ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं होगा, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ जो भी है इश्यूज है और जो भी मुझे अच्छा लगा वो आप वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर की कुछ डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ना, ये ऑफिशियल बिल्ड है और एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। तो ब्लिस ओ वर्शन 12.10 है, तो लेटेस्ट वर्शन मैंने इंस्टॉल किया है। मेंटेनर इसका मैजिक्स AV है और लॉरल, ये एक्चुअली MI3 का लॉरल सपोर्ट करता है ना। तो आप कर्नल देख लीजिए, शाइन लोटस प्लस का कर्नल आता है इसमें और 5 अगस्त का पैच मिल रहा है एंड्रॉयड 10 के साथ। तो एक्चुअली अब इस रोम के हम UI के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली ये UI बहुत ही स्मूथ है। इट इज़ सेम एज एवोल्यूशन X एंड पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, तो उसके साथ ही आपका हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ऐप ओपनिंग स्पीड भी बहुत ही फास्ट है इसमें और आपको UI भी बहुत स्मूथ देखने को मिल जाएगा इसमें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको कुछ आपको मैं फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो भी नोटिफिकेशन पैनल में आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली जो मेन थिंग जो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगा है वो है डार्क थीम, जो आपको नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिल जाएगा। जाए तो इधर ही आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप डार्क भी कर सकते हो, इधर से आपको जो भी लाइट थीम चाहिए वो आप लगा सकते हो। तो ऐसा है, तो उसमें आपको गेमिंग मोड भी मिल जाएगा, जबकि आप जब भी गेम करते हो तो आपको कोई नोटिफिकेशन ऑफ करना है तो आप वो भी कॉल्स ऑफ कर सकते हो, नाइट लाइट का भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही है एक्चुअली। तो अब नेक्स्ट हम इसके फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इसका फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, इट इज़ सेम एज एवोल्यूशन X एंड पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। इट इज़ मच बेटर देन स्टॉक रोम। आप जानते हो ना, स्टॉक रोम का फिंगरप्रिंट बहुत ही स्लो रहता है। तो पहले कुछ समय पहले स्टार्टिंग में जब मैं फिंगरप्रिंट डाल रहा था तो ज़्यादातर समय रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, बट अभी उतना इशू नहीं मिल हो रहा। तो ओवरऑल अभी स्टेबल हो गया फिंगरप्रिंट, ऐसा नहीं है कि सेट हो गया ऐसा है। तो फेस आईडी या फेस अनलॉक भी ठीक से चल रहा है, तो फास्ट है फेस अनलॉक। हम इस कस्टम रोम के कुछ फीचर्स के आपको कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली बहुत कस्टमाइजेशन इसमें भरे पड़े, तो हम थोड़े थोड़े करके जानेंगे। सबसे पहले स्टेटस बार में, ये स्टेटस बार में आप देख सकते हैं ना ऊपर का, तो इधर आप जाके क्लॉक का जो भी छोटे छोटे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, आपको स्पीड लिखा देता हूँ। आप राइट तो लेफ्ट आपका टाइमिंग भी राइट से लेफ्ट कर सकते हो क्लॉक का, और आपका जो बैटरी का जो इंडिकेटर स्टाइल है ना उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसा है, तो नेक्स्ट परसेंटेज भी एनेबल ऐसा कर सकते हो, तो आपको जो भी बैटरी परसेंटेज वैन चार्जिंग वो भी ऑन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्विक सेटिंग्स में आप टिंट जो भी इसको QS टिंट मोड इसको बोलते हैं जो आपको पैनल में दिखाई दे रहा है ना, तो एक्चुअली रैंडम भी कर सकते हो। एक्सेंट पे जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा एक स्टैंडर्ड सा, और आप बहुत सारे ग्रेडियंट भी देख लीजिए। तो ऐसा है, सॉरी देख लीजिए, आपको ऐसा सब मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस स्टेटस बार में भी। तो नेक्स्ट एनिमेशंस, अगर आपको कोई एनिमेशन नहीं चाहिए तो डिसेबल कर सकते, तो आपका डिवाइस बहुत स्मूथ होगा। जैसे आप कोई ऐप ओपन करते हो, देख लीजिए अभी कोई एनिमेशन नहीं है, तो बहुत ही फास्ट ओपन हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली उधर ही मिल जाएगा, आपको कोई डेवलपर ऑप्शन में जाके ऑन करना नहीं होगा। तो लॉक स्क्रीन में जाके भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, पॉकेट डिटेक्शन भी ऑप्शन है इसमें आपको। फिर फिंगरप्रिंट का आप आइकन पिक कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कुछ एक मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या है उसको कैप्टन अमेरिका कहते हैं ना, तो देख लीजिए। तो हाँ भी आ गया, तो वो नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं हम लोग। कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में ही बताऊंगा मैं। चार्जिंग एनिमेशन भी आप ऑन कर सकते हो चार्ज करते समय। म्यूजिक विजुअलाइजर भी इसमें आपको कुछ म्यूजिक का भी कुछ ट्विक कर सकते हो, जैसे आप अगर कोई हेडफोन में सुन रहे हो, नॉर्मली सुन रहे हो, तो हेडफोन में सुन रहे हो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट महसूस होगा इसमें।
तो नोटिफिकेशन में एक्चुअली जो आपको साइड लाइटिंग चाहिए था, अगर जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मिल जाता है। आप उसका एज लाइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद है। तो अभी नोटिफिकेशन इसमें आना चाहिए, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको साइड में आपको ये कलर आएगा, तो वे भी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। थीम्स में भी आपको देख लीजिए, अगर आपको कोई थी जाके इसका आइकन्स चेंज करना है, राउंडेड आइकन्स या कुछ भी, क्लॉक भी आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल रहा है आप लोगों को। तो आपको अगर आपका डार्क मोड में कोई, बहुत सारे डार्क मोड ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फुल्ली डार्क या थोड़े से डार्क या ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जस्ट मैं दिखा देता हूँ इधर। तो फर्स्ट लेट्स एनेबल डार्क मोड, तो देख लीजिए अभी एक ब्लैक ब्लिस मोड है, फिर थोड़ा अलग सा डार्क मोड, आप पता नहीं मुझे आपको इसमें दिख रहा है वीडियो में, बट थोड़ा सा डार्क मोड का थोड़ा सा अलग ही चेंजेस आ गया है, पिच ब्लैक सब फुल्ली ब्लैक, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर मैं इस रोम की बक्स के बारे में बात करूँ, तो एक्चुअली इसमें आपको बक्स ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, आपको वाईफाई भी ठीक से चल रहा है, ब्लूटूथ भी ठीक से चल रहा है, ओवरऑल सब कुछ ठीक से चल रहा है। बट एक मुझे एक बग देखने को मिला जो एक्चुअली कुछ लोगों के लिए छोटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, जैसे कि माइक्रोफोन। ये मुझे बग मुझे एवोल्यूशन एक्स में भी देखने को मिला था। एक्चुअली जब भी आप कोई व्हाट्सएप का वॉइस रिकॉर्ड करके आप भेजते हो लोगों को, तो आपको जो भी माइक्रोफोन का जो भी साउंड इनपुट लेता है ना, वो बहुत स्लो लेता है। जब भी आप उसको प्ले करोगे तो बहुत ही स्लो में सुनेगा, जबकि आप कैमरा में वीडियो काटते हो या आप कोई एडिटिंग में और इसे वॉइस ओवर करते हो, तो ऐसा इशू देखने को मिला। एक्चुअली मुझे बहुत मेजर लग रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता हूँ, कैमरा में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मुझे बहुत स्लो महसूस होता है उसका साउंड। तो ऐसा है, माइक्रोफोन बग है, तो ये इशू देखने को मिलेगा। आप इसमें देख लीजिए आपको क्या है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल इस रोम के बारे में बात करो तो इट इज़ सेम एज एवोल्यूशन एक्स एंड पिक्सल एक्सपीरियंस। इसका यूआई थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ओवरऑल इसका जो स्मूथनेस के बारे में बात करो तो इट इज़ सेम, उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो आपको इसमें कस्टमाइजेशन भी मिल जाएंगे और जो भी डार्क मोड टॉगल भी इधर ही मिल जाएगा, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फाइनली अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करो तो इट इज़ बैटरी एफिशिएंट, कि ज़्यादा एवोल्यूशन एक्स का उतना उससे ज़्यादा आपको उसमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ऐसा है, तो ओवरऑल इतना ही है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दो और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।